बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है बड़ा ऐलान, 2019 तक सभी किसानों को खेतों तक पहुंचेगी बिजली। और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए लोन लिए हैं, अगर उनको पढ़ने के बाद से नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका एजुकेशन लोन माफ़ करने की घोषणा किया है। दरभंगा के गंडौल बिरौल सड़क सह पुल का उद्घाटन करने पहुँचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, सभा को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किया मुख्यमंत्री। एक तरफ जहां बिहार के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 4 लाख रुपये तक एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करने वाले पूरा करने वाले अगर नौकरी नहीं मिलती है विद्यार्थी को तो उन परिस्थिति में बेरोजगार युवाओं के लोन माफ़ कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किसानों के सिंचाई के लिए 2019 तक बिहार के सभी किसानों के खेतों तक बिजली पहुंच जाएगी, उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से फीडर का निर्माण किया जा रहा है। 2019 चुनावी पर सोने के कारण नीतीश कुमार ने युवाओं और किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये बड़ी पहल शुरू की है और इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आज कुल 13 योजनाओं का उद्घाटन और 26 योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। कुल 36 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया, जिनमें पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों से जुड़ी हुई पहुंच पथ का निर्माण किया गया। दूरियों को पाटने के इस कार्य के बाद ग्रामीणों के जीवन में जो बदलाव आया उसे ग्रामीण जैसे स्वर्ग की प्राप्ति मानते हैं। इस निर्माण कार्य के पूर्व के दिनों की याद करके उन्हें लगता है जैसे उन्हें नारकीय जीवन से मुक्ति मिली और एक स्वर्गिक सुविधा की प्राप्ति हुई। पूजा करने के लिए जाते थे, भर छाती पानी में जाते थे, बाढ़ के समय में झोंक लगता था, सांप रहता था, बहुत तरह की दिक्कत कठिनाई करना पड़ता था, लेकिन भगवान अब जो रोड हो गया ना तो दीने बना हुआ है, मतलब कि कहीं से कहीं जा सकते हैं। जब बलुहा जाते थे ना तो बलुहा का धार पूर्वा हवा बहता था ना उस समय में, तो 2 दिन रहना पड़ता था इसी पार में। अब पता लगता है बलुहा जाए, सुपौल जाए, सहरसा, लगता ही नहीं हम बलुहा से आए हैं, लगता ही नहीं हम सहरसा से आए हैं। 1 मीटर चलने का लैक मीटर लोग अपना काम निकालते थे, अब क्या हो गया, अब बच्चा सबको घर में रखने के लिए क्या कहते थे लोग, अंधेरा में बाहर मत जाओ, बाहर भूत है, बच्चा सब घर में रहता था। अब तो बिजली आ गई, अब भूत का डर भी भाग गया और लालटेन की भी जरूरत खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति आ गई है, अब आप ही बताइए, आपने मौका दिया, हम लोग तो काम करते और हम लोगों का विश्वास है न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास, उसमें हमारा यकीन है। इसलिए आज जितने जगहों का इन लोगों ने कराया है और देखिए अब घर घर बिजली का कनेक्शन तो दे दिया, अब हम लोग लोगों के लिए सिंचाई के लिए अलग से कृषि का सिंचाई के लिए फीडर का निर्माण करा रहे हैं। मुझे खुशी है 2 कृषि फीडर का आज शिलान्यास भी करवाया गया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हाया घाट और बहेड़ी प्रखंड के किसानों को कृषि सिंचाई हेतु अलग फीडर से कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो अब एक एक किसान को भी घर का बिजली का कनेक्शन तो मिल गया, अब सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा और इसका लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया है 2019 अगला साल के 31 दिसंबर तक बिल्कुल हर गांव में कृषि के फीडर की व्यवस्था कर देंगे और हर कृषक जो इच्छुक होगा उसको बिजली का कनेक्शन सिंचाई के लिए उपलब्ध हम लोग करा देंगे पूरे बिहार में। और इसके अलावे जो पुराना और जर्जर तार है उस तार को भी बदल देंगे 31 दिसंबर 2019 तक। इसलिए कोई काम नहीं, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, सब तरह का काम हम लोग करते हुए और समाज सुधार का काम हम आपसे यही आग्रह करेंगे, सब मत छोड़िएगा। विकास के काम में हम कोई किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करते, हर तरह से काम करते रहते, लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार का अभियान चलाते,
शराबबंदी, गाढ़ी कमाई का पैसा गरीब लोग शराब में गवा देता था, घर में झगड़ा होता था।